भारत पाकिस्तान की सीमा से 35 किलोमीटर दूर बसा एक गांव पातालपुरी। 70% लोग लाहौर से यहां आकर बसे हुए हैं। अमृतसर जिले के इस गांव को आज भी आसपास के लोग पाकिस्तान बोलते हैं। पातालपुरी के लोग कहते हैं कि हम पाकिस्तानी नहीं भारतीय हैं। विकास इस गांव से कोसों दूर है। 40 की उम्र के 60% लोग अनपढ़ हैं। गांव के लोग मजदूरी करते हैं। सुनिए गांव वालों ने अपनी विवशता पर क्या कहा। इस वक्त मैं पंजाब में पातालपुरी गांव में हूँ और ये पंजाब का गांव है, लेकिन यहाँ के बासिंदे पाकिस्तान लाहौर के हैं, ऐसा वो कुछ लोग मानते हैं। मेरे साथ अभी इस गांव के निवासी राजकुमार हैं और हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैसे पाकिस्तान से ये लोग इस गांव में आकर बस गए और इस गांव के साथ उनका अब क्या नाता है और कैसे इस गांव में बसर कर रहे हैं। राजकुमार जी, तो आप लोग कहाँ से आए थे? पहले हमारे जो दादा परदादा थे सारे लोग जी, तो इसके बाद जो बंटवारा हुआ था बोलते हैं कि हम लोग पैदल से यात्रा करके इस गांव में आए हैं। जब से हमारा यहीं का रहन सहन है, जो भी हमारा सब कार्ड है, सब कुछ भी है, राशन कार्ड है, सारा पंजाब का ही है। तो कब आए आप लोग बंटवारे पे? इससे पहले ये बंटवारे पे ही, इससे पहले मेरे हिसाब से बाद में आए। तो हमें पता नहीं। तो लाहौर में आप लोग कहाँ से थे? लाहौर में ये हमें तो मालूम, हमारे दादा जी को। आपके दादा का नाम क्या था? वो बाबूराव। तो आप लोग यहाँ करते क्या गांव में? गांव में हम लोग मजदूरी करते हैं। और जमीन कितनी है इस गांव में? जमीन तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। वैसे गांव की जमीन कितनी है? गांव की जमीन बहुत कम है। और बाकी के लोग क्या करते हैं? ज्यादातर लोग गांव के क्या करते हैं? कुछ किसान है, कुछ मजदूरी शहर में जाते हैं। स्कूल वगैरह है यहाँ पे? हाँ, हमारा एक स्कूल है। तो आप लोग हिंदू या मुस्लिम थे? अच्छा, आप लोग हिंदू थे, तो इसलिए आप लोग वापस आ गए चूँकि आप हिंदू थे। अच्छा, तो इस गांव में अभी कितने लोग हैं ऐसे? मतलब लाहौर के लिए हमें? लाहौर के, लाहौर के तो इस समय तो अभी कोई नहीं रह गया, पहले थे, अब सारे मतलब अब नई पीढ़ी आती है, अब नई पीढ़ी चलती है। लेकिन आपके जो पूर्वज थे वो लाहौर से ही आए थे? हमारे जो दादा परदादा थे वो लाहौर के। तो क्या उन्होंने इस गांव को बसाया था? उन्होंने इस गांव को बसाया? हाँ, कुछ रिश्तेदारी हमारी इस गांव में पहले थी, जैसे हमारी यहाँ बुआ रहती थी, रिश्तेदार रहते थे बड़े बड़े। सिर्फ राजकुमारी नहीं, ये पीड़ा यहाँ के 43 वर्षीय निक्काराम की भी है। निक्काराम कहते हैं कि हमारे पूर्वज यहाँ आए थे, इसके बाद भी हमारे साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार होता है। पंजाब में विधानसभा चुनाव है, नेता हमारे यहाँ वोट मांगने तो आते हैं, आएंगे, चाय भी पियेंगे, लेकिन जीतने के बाद यहाँ कोई नहीं आएगा। लाहौर से यहाँ कैसे आए थे? हमें नहीं मालूम सर जी। तो आपके पूर्वज आए होंगे ना? हाँ जी। तो ऐसा तो मानते हो ना कि आप लाहौर से आए हो? लाहौर से आए, पहले वाले कह रहे थे ना कि मतलब ऐसे ऐसे जब लड़ाई का समय हुआ था ना, जब से मतलब बात करते थे कि हम ऐसे आए हैं मार्केट में, जैसे कि लाहौर की लड़ाई जब हुई। पातालपुरी के वासिंदों के लिए स्वास्थ्य, रोजगार या अन्य सुविधा तो दूर की बात है, उनको चिंता तो ये है कि कम से कम उन्हें भारत के लोग अपना मान लें। कैसे यहाँ के लोग पाकिस्तान से आए और पाकिस्तान लाहौर है? मेरी दादी दिहाड़ी पुरानी, तो कहते जब कृषि करते यहाँ दिहाड़ी करते, फिर नहर खोद यहाँ पर। अच्छा, तो आपकी कौन सी पीढ़ी है अभी यहाँ पे इस गांव में? अच्छा, तो यहाँ आप लोग क्या करते हो? आप मजदूर? मैं टैक हो गया। अच्छा, तो काम वहाँ मिल जाता है? काम ऐसे 3-4 साल हो गए बेला काम। अमृतसर से पठानकोट की ओर जाने वाले हाईवे से यदि आप गुजरते हैं तो एहसास नहीं होगा कि यह बॉर्डर का इलाका है, लेकिन हाईवे से 2.5 किलोमीटर अंदर आते ही आपको एहसास होने लगेगा कि बॉर्डर के ग्रामीण इलाकों के हालात कितने बदतर हैं, खासतौर पर वो गांव जिसमें पाकिस्तान से लोग आकर बसे हैं।